भौतिक भूगोल की इस कक्षा में बीए भाग प्रथम के सभी नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चोरू। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भूगोल को समझने का प्रयास किया था। हमने यह जाना था कि भूगोल विषय आपके भविष्य निर्माण में, कैरियर निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकता है। हमने ये जाना था कि किस प्रकार निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही हम किस प्रकार भूगोल को पढ़ें और समझें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल की परिभाषाओं, भूगोल की संकल्पनाओं, भूगोल का विषय प्रवेश एवं भौतिक भूगोल का स्वरूप एवं उनकी शाखाएं। आपको पता ही है, सामान्य तौर पर जब आप 10th, 11th, 12th में थे, हमने एक शब्द समझा था, जियो प्लस ग्राफी, अर्थात पृथ्वी तल का अध्ययन और वर्णन। लेकिन यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। भूगोल की यदि हम पूर्ण परिभाषा की बात करें, यदि भूगोल की ऐसी परिभाषा जो संपूर्ण रूप से भूगोल को परिभाषित करे, तो उस संदर्भ में हार्टशॉन महोदय की परिभाषा, जिन्हें भूगोल का पितामह के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण परिभाषा हार्टशॉन महोदय ने दी थी। मैं इसको हिंदी और आंग्ल दोनों भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले आंग्ल भाषा में हार्टशॉन महोदय ने कहा कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी is concerned to provide accurate, orderly and rational distribution of variable features of the earth surface. That subject is known as a geography. Again I repeat, what is geography? Geography is concerned to provide accurate, orderly and rational distribution of variable features of the earth surface, that is geography. अर्थात हार्टशॉन महोदय के अनुसार भूगोल विषय वस्तुतः पृथ्वी तल से संबंधित विभिन्न variables, चरों के संबंध का विज्ञान है, जिन्हें हम accurate, सही, ऑर्डरली अर्थात क्रमबद्ध एवं रेशनल अर्थात स्थानिक, अर्थात पृथ्वी तल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का हम सही, तार्किक, क्रमबद्ध एवं स्थानिक अध्ययन करें, तो जिस शाखा में यह किया जाता है उस शाखा को ही वस्तुतः भूगोल की संज्ञा दी जाती है। हाँ, यह वस्तुतः यही बताना चाह रही है कि पृथ्वी तल का संपूर्ण विज्ञान। लेकिन यदि आप हार्टशॉन महोदय की परिभाषा को कोट करेंगे, तो न सिर्फ अंकन उचित होगा, अच्छा होगा, साथ ही आपकी विषय के प्रति जागृति और ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो ही परिभाषा। वैसे अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया था, लेकिन हार्टशॉन महोदय द्वारा दी गई परिभाषा अपने आप में संपूर्ण है और उसी अनुरूप प्रत्येक परिभाषा को अपने में समाहित करती है। अब द्वितीय चीज आती है भूगोल का विषय क्षेत्र। मित्रों, भूगोल को यदि हमें बेहतर रूप में समझना है, तो हम उसे एक सिक्के की तरह समझें जिसके दो पहलू हैं। जैसे होता है ना कॉइन, उसके दो सिक्के होते हैं, हेड और टेल। उसी प्रकार भूगोल भी एक सिक्के के समान है जिसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है, जबकि दूसरा पहलू क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक भूगोल से संबंधित है। प्रथम पहलू प्रादेशिक भूगोल, जो कि पृथ्वी के विशिष्ट स्थानों की भिन्नताओं से संबंधित है,
भूगोलवेत्ता उन प्रक्रमों को खोजता, समझता और मॉडल बनाने में प्रयास करता है जो कि पृथ्वी की विभिन्नताओं को उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो पृथ्वी तल पर विभिन्नता उत्पन्न करें, वे प्रादेशिक भूगोल से संबंधित हैं। द्वितीय पहलू, जिसे हमने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या क्रमबद्ध भूगोल का नाम दिया, यह दूसरे प्रकार का परिणाम है। इसके अंतर्गत इस विषय क्षेत्र को हम दो अलग-अलग परिमंडलों में बांट सकते हैं। एक परिमंडल तो है मानव भूगोल, दूसरा परिमंडल है भौतिक भूगोल, जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष का अध्ययन क्षेत्र है। और बीए प्रथम वर्ष में हम उसे प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में समझते हैं। मानव भूगोल में जहाँ हम सामाजिक, आर्थिक और आचार बिहेवियरल, जिसे बोलते हैं आचरणात्मक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, जो कि स्थानिक क्षेत्रीय भिन्नताएं पैदा करते हैं, जबकि भौतिक भूगोल में हम धरातल पर घटित होने पर या घटित होने वाले विभिन्न उन प्राकृतिक प्रक्रमों की व्याख्या करते हैं जो मानवीय क्रियाओं के लिए भौतिक पृष्ठभूमि पैदा करते हैं। यदि हम एज ऑफ डिस्कवरी, अन्वेषण काल की बात करें, तो प्रारंभ से ही भूगोल को मानव जाति के आवास के अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया गया और उसी अनुरूप उसे समझा गया। 19वीं शताब्दी में भूगोल की परिधि और अध्ययन क्षेत्र को पृथ्वी के धरातल तक सीमित कर दिया गया। विभिन्न विद्वानों जैसे ब्रंश के अनुसार धरातल के ऊपर एवं वायुमंडल के निचले भाग में वनस्पति, प्राणी, मानव जगत की सभी परिघटनाएं केंद्रित होती है। फिंच ट्रिवार्थना भी भूगोल को पृथ्वी के धरातल का विज्ञान कहा। होम्स ने भूगोल को मानव भूगोल के निवास स्थान का अध्ययन बताते हुए उसको समझने का प्रयास किया। हाइट और रेनर ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी और बताया कि मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी के अध्ययन का अभिष्ट भाग यदि कोई है तो वो विज्ञान है। अब हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के विषय और स्वरूप की। हमने प्रारंभ बताया भूगोल के दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व मानव को प्रभावित करते हैं तथा मनुष्य स्वयं एक भौगोलिक कार्य के रूप में पर्यावरण में रूपांतरण करता है। पृथ्वी एवं मानव दोनों ही गतिमान एवं परिवर्तनशील हैं। मानवीय क्रियाओं तथा उससे उत्पन्न सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, जबकि जीव और उसके भौतिक पर्यावरणों के संबंधों का अध्ययन हम